प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा क्या थी? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। आज मैं आपको स्वरनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वरनाम क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वरनाम। पिताजी कल देर रात तक काम करते रहे। स्नेहा की माँ आज मेरे साथ बाजार गई। मैं, जशन और स्नेहा बाजार जाएंगे। संज्ञा शब्दों को बार बार लिखना या बोलना ठीक नहीं लगता। संज्ञा के स्थान पर ये, वह, इस, इन, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कल देर तक काम करते रहे, वे थके हुए थे। जो वे है वो है स्वरनाम। स्नेहा अपनी माँ के साथ बाजार गई। मैं, करण और स्नेहा बाजार जाएंगे। वहाँ पे हमने कह दिया हम वहाँ पर खिलौने खरीदेंगे। हमने तीनों नाम को स्नेहा, वरुण और मैं, ये तीनों जो नाम थे हमने इनको हम में बदल दिया। तो कहने का मतलब ये है, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। कुछ स्वरनाम शब्द ऐसे हैं, मैं, तुम, वह, आप, कोई, कौन, आदि। सबसे पहले अपने लिए मैं प्रयोग करती हूँ, मैं, हम, मेरा, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरों के लिए मैं प्रयोग करती हूँ, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुम कैसे हो, ये सब हैं स्वरनाम। इसके बाद आप इस तस्वीर को देखिए, जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं सोनाक्षी हूँ, मैं रमन हूँ, तुम सोनाक्षी हो, तुम रमन हो, सोनाक्षी वह रमन है, रमन वे सोनाक्षी है। तो अब आपको पता चला कि हमने किन किन शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे किया है। इसमें संज्ञा शब्द के साथ साथ हमें स्वरनाम शब्द भी मिले हैं। अब आगे देखते हैं स्वरनाम के अलग अलग रूप कौन से होते हैं। एकवचन, बहुवचन। एक वचन होता है जैसे मैं, और अब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये बन जाएगा हम। मेरा बहुवचन में बदला तो हमारा बन गया। मुझे बहुवचन में बदला तो हमें बन गया। तो ये सब क्या होती हैं, संज्ञा से स्वरनाम बनना। बोलने वाले स्वरनाम क्या होते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम। जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा, मुझे आज आम चाहिए, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जो सुनता है दूसरा वर्ड, जो सुनता है स्वरनाम, वो कैसा, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तुम कब आए, तुम अपने मित्र को बुलाओ, तुम्हारा छोटा भाई रो रहा है। तो ये सब क्या है, स्वरनाम। किसी अन्य शब्द के लिए स्वरनाम होता है वह, वे, ये, उनका आदि। जैसे उनका घर बहुत बड़ा है, उसे खाना खिलाओ, देखो ना ये मगरमच्छ है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, स्वरनाम। अब आगे चले हम, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक जो हम इशारा करते हैं वो होता है ये, वह, उसका, उनका। अनिश्चित बात जिसको हम पक्की तरह से जानते नहीं हैं उसके लिए होता है किसी को बुलाकर दवाई दो, कोई आया है, कुछ पढ़ लो। ये सब क्या है, अनिश्चित काल स्वरनाम। संबंध बनाने वाले, जिसने आपको बुलाया है उसे कहीं जाना पड़ा, जिसने पढ़ाना है उन्हें बुलाओ। तो ये क्या हो गए, संबंध बनाने वाले। जिसने पढ़ाना है उन्हें बुलाओ, तो जिसने उन्हें के साथ संबंध बना रहा है। प्रश्न पूछे जाने वाले स्वरनाम कौन से होते हैं, कौन आया है, किसकी पुस्तक दी मिल रही। तो ये था हमारा स्वरनाम। स्वरनाम के जिन रूपों को आपने पढ़ा वो थे पुरुषवाचक स्वरनाम, मैं, मेरा, हम, तुम, तुम्हारा,
निश्चयवाचक स्वर ना ये यहाँ वे वहाँ, अनिश्चयवाचक स्वर ना कोई कुछ किसी, संबंधवाचक स्वर ना जो सो जिसे जिसका, प्रश्नवाचक कौन कैसा कब कहाँ। तो बच्चों ये आपके स्वरनाम शब्द हैं। अब हम ज़्यादा दूर न जाते हुए कुछ इसके खास शब्दों को याद करेंगे, कुछ खास वाक्यों को याद करेंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइन को याद करेंगे। ध्यान से सुनना। नंबर वन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा एक से अधिक होने पर, संज्ञा एक से ज्यादा होने पर स्वरनाम का रूप प्रदान करता है। स्वरनाम के पांच भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। उम्मीद है बच्चों आपका ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा। इस लेसन को दोबारा सुने। धन्यवाद।